तो इस क्वेश्चन में जो हमें डिजाइन करना है रेट ऑफ सुपर इलेवेशन, एक हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व के लिए जिसका रेडियस है 500 मीटर और यहाँ पे जो डिजाइन स्पीड हमें दिए हुए 100 किलोमीटर पर आवर, और हमें बोला है अगर बाकी कोई सुटेबल डाटा चाहो तो अज्यूम कर सकते हो। तो हमें गिवन क्या है, वी क्या है 100 किलोमीटर पर आवर, आर यानी रेडियस कितनी है 500 मीटर। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें डिजाइन की कंडीशन नहीं दी है, यहाँ पे डिजाइन कंडीशन कैसी है, तो अज्यूम करते हैं फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन सुपर इलेवेशन इज गिवन बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, यहाँ पे हमें यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय 225 इंटू आर। तो वी स्क्वायर यानी वी क्या 100 और डिवाइडेड बाय 225 इंटू आर, आर यानी क्या रेडियस कितना 500 मीटर। तो बस हमें वही चीजें कैलकुलेटर पे डालनी है। तो यहाँ पे एक चीज है वो मैं बता दूंगा आंसर आने के बाद कि ये वैल्यू गलत क्यों आएगी डिस्पाइट अगर हमने कैलकुलेटर पे सब कुछ सही भी डाला। तो इसे डिवाइडेड बाय 225 इंटू 500, तो यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट एंटर, तो जो हमारी वैल्यू आएगी आएगी यहाँ पे 0.0888 आएगी, तो इसे राउंड अप करके यहाँ पे 0.089 बन जाती है मीटर पर मीटर ऑफ कैरेज वे, ये हमारी वैल्यू आती है। तो ये कैसे आती है 0.089 मीटर पर मीटर ऑफ कैरेज वे, लेकिन इसे हमें चेक अप्लाई करना है और चेक कैसे अप्लाई करना है परसेंटेज में। तो जो हमारी प्लेन टेरेन होती है, प्लेन टेरेन इन द सेंस की जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारी नॉर्मल जो रोड्स होती है उसे प्लेन टेरेन कहते हैं कि प्लेन है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो रिस्ट्रिक्टेड जो होती है उसके लिए सुपर इलेवेशन वो 7% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे हमारा जो मीटर में, ये जो हमारा आंसर आया डेसिमल में कैसे करेंगे, जो हमारा आंसर है उसे बस 100 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बस 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर लगभग लगभग 8.89 मीटर, सॉरी 8.89 परसेंटेज आता है, मतलब 8.9%, जो कि 7% से काफी ज्यादा है। 8.9 जो है 7 से ज्यादा होता है 7 से, ये तो पता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर मान लो ये कम आता है, जैसे 5 आता 6 आता, तो वैल्यू हम डायरेक्टली ई की जगह पे 5 या फिर 6 ले लेते हैं और बस एक चेक अप्लाई करना रहता है, इसके बाद वो अप्लाई करके हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे 7% ही मैक्सिमम लेंगे, क्योंकि हम 7 से ऊपर नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो हमें 7 ही लेना पड़ेगा। तो 7 का परसेंटेज का मतलब डेसिमल में कितना होगा, 7% का अगर हम परसेंटेज को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसे डिवाइडेड बाय परसेंटेज को डेसिमल में, तो डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा आंसर 0.07 आ जाएगा। तो हमें वही लेना है यहाँ पे ई की जगह पे 0.07। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर चेक अप्लाई करना है लैटरल कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन डेवलप का, जो डेवलप होता है फुल स्पीड की वजह से प्राइमरी या फिर एक्चुअल। तो यहाँ पे फुल स्पीड की वजह से जो डेवलप होता है प्राइमरी या फिर एक्चुअल इक्वेशन जिसे कहते हैं इसका यूज करके, तो ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 इंटू आर। तो ई तो हमें यहाँ पे 0.07 लेने वाले, 8.9 तो नहीं लेने वाले क्योंकि उतना ज्यादा हम नहीं ले सकते, प्लस एफ का वैल्यू हमें नहीं पता। इक्वल टू वी स्क्वायर, वी हमें पता है 100, स्पीड कितनी 100 किलोमीटर पर आवर, तो 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 इंटू आर, आर यानी रेडियस, रेडियस हमें पता है रेडियस की वैल्यू 500 मीटर है, तो 500 हमारे यहाँ पे ले लिया। तो क्या करना है, पहले ये जो राइट साइड है इसे सॉल्व करना है कैलकुलेटर पे, तो कैलकुलेटर हम लेते हैं इन ब्रैकेट 100 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 127 डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाई बाय 500 ब्रैकेट कंप्लीट एंटर, तो हमारा आंसर 0.157 आ जाता है। तो 0. यहाँ पे 0.007 जो है वो एडिशन में, तो अगर ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट करेगा, माइनस करेगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो क्या करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा आंसर आए 0.157 उससे हमें अपना ई का वैल्यू माइनस करना है 0.07 एंटर, तो हमारा आंसर क्या था 0.087।
तो यहाँ पे चेक क्या होता है कि जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर डिजाइन पर्पज जो है वो क्या होता है कि हमारे फ्रिक्शन की वैल्यू 0.15 से कम आनी चाहिए। तो हमारी वैल्यू क्या है 0.087, तो ये वैल्यू एक्चुअली 0.15 से कम है। अगर मैं इसे लेट से माइनस करने का ट्राई करूंगा 0.087 माइनस 0.15, तो देख सकते हो 0.15 की वैल्यू इससे ज्यादा आती है। तो क्योंकि 0. कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है 0.15 से ज्यादा कैसे 87 से, तो एक्चुअली अब ज्यादा हो गया क्योंकि 0.150 होता है, तो लास्ट वाला जीरो लेते नहीं है। तो इसी कारण से हमारा यहाँ पे हमें लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन यहाँ पे ये वाली लिखना। हेंस द डिजाइन इज सेफ विद सुपर एलिवेशन ऑफ 0.07 मीटर पर मीटर लेंथ कैरेज वे। तो इसमें क्या है 0.07 मीटर पर मीटर कैरेज वे, तो यहाँ पे क्या है 0.07 हमारा यहाँ पे जो वैल्यू हमने सिलेक्ट की है ये सेफ है, ये इसका मतलब होता है बेसिकली। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और हाँ, ये जो प्लेलिस्ट है हाईवे इंजीनियरिंग, जहाँ पे मैं सारे हाईवे से रिलेटेड न्यूमेरिकल कवर करता हूँ लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एज ए एंकर इस वाले साइड में भी शो हो रहा होगा। तो इस प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर देना क्योंकि जो भी अपकमिंग हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स है उसी प्लेलिस्ट पे आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।